पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। सबसे अधिक वर्षा जो हुई है वो बेतला के मेलबर्न के स्टेशन में 44 मिलीमीटर दर्ज की गई है। हाईएस्ट डे टेम्परेचर झारसूगुड़ का 36.4 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर का 35.5 डिग्री सेल्सियस और कटक का 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी डायरेक्ट नो सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। आस पड़ोस के सिस्टम की वजह से आज जो उड़ीसा में हमारा जो कोस्टल उड़ीसा पूरा सुंदरगढ़, मयूरभंज, केवंझर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकनाथ, कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, मलकानगिरी और कोरापुट इन डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार डे टू में इंटीरियर उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, केवंझर, अनुगुल, ढेंकनाथ, देवगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बारगढ़, सोनपुर और जो साउथ उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर आइसोलेटेड रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। 8 तारीख को होल उड़ीसा, 8-9 तारीख को पूरे उड़ीसा में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 10 और 11 तारीख को इंटीरियर उड़ीसा और नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 7-12 तारीख को होल उड़ीसा में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 12 अक्टूबर को डे वन में आइसोलेटेड प्लेस में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। उनमें जो डिस्ट्रिक्ट शामिल है सुंदरगढ़, मयूरभंज, केवंझर, अनुगुल, ढेंकनाथ, कोस्टल उड़ीसा, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है।